गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स मिस्टर अनबटर। ये लीक कर रहा है तो कब्रिस्तान जाना आज 10 मुहर्रम है तो शापर साहब का ने फ्रॉड कर दिया, कैफी को उठाया, कैफी आने लगा, कैफी का खा लिया वाला कपड़े पहन के आने लगा। हाय कैफी अभी गया अंदर तो आता फिर इसलिए तो हो जाते हैं। कैफी भी आ चुका है। हाँ कैफी चले, वो कह रहा मैंने भी जाना। कैफी कैफी को गुस्सा आ गया, छोटा भाई कहता मैंने भी जाना है। तूने क्या लेने जाना, हमने तो मट्टी डालनी है घर मेरा। पकड़ भाई दिल को भी ले चाचू। लो जी आज ना अली ने हमारे साथ फ्रॉड किया। अली ने कहा था सुबह 5 बजे मैं सपारा पढ़ने जाता हूँ तो मैं आप लोगों को उठा दूंगा। इसने कोई भी नहीं उठाया। 8 बज गए हैं, अभी कब्रिस्तान जाने लगे हैं तो मट्टी मुश्किल है वहाँ से हमें मिले, तो एक बंदे को और लेना है, वो शेख दील साहब हैं। तो कैफी ने तो मुंह भी नहीं धोया, कैफी ऐसे उठ के बाहर आ गया। धोया हल्का सा धोया बस, कैमरे में नहीं आ रहा, तो शर्म आ रही है, इसे हम ले ही लेते हैं कैमरे में। चले जी खैर कब्रिस्तान जाके दिखाते हैं क्या माहौल है वहाँ पे और कितनी आवाम कितनी तादाद में वहाँ पे आई है। लाहौर में तो कब्रिस्तान सारा भरा होता है 10 मुहर्रम को, इधर का पता कोई नहीं, इधर का क्या हिसाब है। देखो कब्रिस्तान का हाल, यहाँ पे इंतज़ामिया देखे क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही इंतज़ामिया। तो यहाँ देखे पानी, फिर पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी पानी पानी, आज भी पानी पानी। तो वालदे कब्र पे देखे कैसे घान सूख गया, बारिशें काफ़ी हुई हैं, पानी देखे कितना सारा है। अभी ये घास उतारते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनता है। कैफी ने मेहनत की है, कई के साथ मट्टी घास उतार रहा है, हाथ से खींच रहे, इसने देखे खड्डे पड़ रहे हैं इसलिए वो कई से उतार रहा है। तो मट्टी भी नहीं आया यार इस दफ़ा, तो इंतजामिया ने कोई मट्टी वगैरह नहीं लाई। तो कब्रिस्तान का हाल देखे, मैं आपको कब्र दिखाऊंगा कि उसके ऊपर एक छापर रखा है वो भी बीच में चली गई है। देखे कब्रों का हाल टूट गई, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पे यहाँ से रेत लेके जानी, कैफी रेत भर रहा है और मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखे वालदा साहब माँ जी साहब रेत साफ कब्र साफ कर रहे हैं। आजकल रेत ही डाल रहे, रेत खुश्क होती है, कब्र गीली है ना, बारिशें पड़ी हैं, चंद लोग आए हैं सफाई करके हैं। ये देखे अल्लाह माफ़ करे कब्र का हाल देखे, क्या कैफी साहब रेत डाल रहे हैं, ले के मैं जा रहा हूँ। कैफी तोड़ा भी एक भर लेते हैं भाई, तोड़ा खींच के ले जाएंगे ना तो दावड़ा मैं उठा लूँगा, सही है, बार बार चक्कर लगाने से बच जाएगा काम। चले जी अभी हम हमारे तो हाथ फारिग नहीं है, कैमरा बंद करना पड़ेगा तो बाद में आपको दिखा। रेत डाल के ना कब्र को कर दिया साफ़ सुथरा, घास काफ़ी था। तो ये देखते आपको मैं कब्र दिखाता हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि उसका हाल देखे, ये देखे साल बाद आए वही हाल है कब्रिस्तान का, हमारे पसरूर का कब्रिस्तान का कोई हाल नहीं रह सकता। ये देखे 10 मुहर्रम है तो आए हैं नहीं, ऊपर तरपाल डाल गए। ये है कब्रिस्तान का हाल। ओ भाई विकास को, ये है जी कब्रिस्तान का हाल देखे, घास वगैरह उगे, कब्रें ख़त्म हो रही हैं, कोई इनके अहलो याल को कोई फिक्र फाका नहीं है कब्रिस्तान में जाना है कि नहीं जाना, कोई पता नहीं। देखे कब्र ख़त्म हो चुकी है। लो जी ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, ये है कब्र। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी नौबत किसी पे ना आए। अल्लाह पाक इनके अहलो याल को कोई थोड़ी सी हदायत दे और कब्रिस्तान में आकर अपनी कब्र को सही करे। गाइस अब हम जाने लगे हैं वापस कब्रिस्तान को, आपको सारा हाल दिखा दिया, हमारा हाल देखे पसीनों पसीन हुए, देखे हाथ पर रेत लगी है, कंधे पर रेत लगी है, रेत उठा उठा के कब्रिस्तान में हमने कब्रों के ऊपर डाली है। तो इस टाइम हमें दीजिए इजाज़त, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ये वीडियो शेयर करने वाली है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।